रोजगार सहायक संघ द्वारा पुरानी दो सूत्री मांगों को लेकर पुनः मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन तथा कलेक्ट्रेट का किया घेराव। इनकी दो सूत्री मांग है, ग्रेड पे पर निर्धारित करते हुए नियमितीकरण किया जाए तथा नियमितीकरण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का सिविल सेवा आचरण पंचायती राज अधिनियम 1966 पंचायती कर्मी नियमावली लागू किया जाए। रोजगार सहायकों ने कहा कि हमारा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने आश्वासन को पूर्ण करे, आप लोग को नियमित करेंगे, क्योंकि आज साढ़े चार साल होने की है और सरकार की अंतिम बजट सत्र आने को है, लेकिन अभी तक हमारी मांग को लेकर उन्होंने द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। आज हम लोग, इससे पूर्व हम लोगों ने 66 दिन के जो हड़ताल किए थे उसमें कैबिनेट के मंत्री सम्मानी कवासी लखमा जी आए थे और बोले थे कि मैं शासन प्रशासन से आप लोग की मांग को पूर्ण कराऊंगा एक माह के अंतर्गत करके। आज 6 माह हो गया और 1 साल होने को है, उनके द्वारा भी वादा खिलाफी किया गया। अगर मैं मांग पूरा नहीं करवाता हूँ तो आप लोग के समक्ष मैं धरना प्रदर्शन करूँगा। अगर जी आगे आज हम लोग एक दिवसीय जिला स्तरीय समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में रैली निकाले हैं और उसके बाद हम लोग कल से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे जब तक जो है हमारी मांग पूरी न हो। ग्राम रोजगार सहायक हूँ और जिला कार्यकारी अध्यक्ष, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं। हमारी दो ही मांग है, एक नियमितीकरण है और दूसरा वेतन मान है। हमें बहुत ही अल्प मानदेय दिया जाता है जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हुए हैं और बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमें एक रोजगार गारंटी के लिए नियुक्त तो किया गया है, लेकिन हमसे सभी विभागों का काम लिया जाता है। हम समस्त विभागों का काम, जिनको भी जो चाहे वो हमें अपना काम देके चले जाते हैं। और इससे हम लोग बहुत ही परेशान हैं, तो सरकार को हमारी पीड़ा को समझना चाहिए, हमारे लिए आगे आना चाहिए। हमको भी सम्मानजनक वेतनमान और सम्मानजनक नौकरी करने का अधिकार है, तो वो अधिकार हमको हमारा देना चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आज रैली किए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती।